शौर्य अर्जुन के पास खड़े होकर उसे अकड़ दिखाते हुए बोला, मैं हर किसी से बात नहीं करता, और इससे पहले कि मैं तुझे यहां से धक्के मार के बाहर निकालूं, तो चुपचाप चला जा यहां से। उसकी ये धमकी सुन अर्जुन शौर्य को देख स्माइल करते हुए बोला, पहली बात तो ये तेरा घर नहीं है ये, और ये जो तू मुझे बिना मतलब के अकड़ दिखा रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। शौर्य को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे उसकी बीवी के घर पर इस तरह से बात कैसे कर सकता है। वो दोबारा मायरा की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, मायरा, हु इज ही, और ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है। शौर्य को देखकर और मायरा के साथ उसका बिहेवियर देखकर अर्जुन सोच रहा था कि शौर्य कितना घटिया इंसान है, वो मायरा पर कैसे रौब जमा रहा है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता तो शौर्य को बहुत कुछ बोल सकता था, मगर मायरा की वजह से वो चुप रहा। मायरा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और अब तो दिन के 4 बज चुके थे। वो इतनी देर तक भूखी नहीं रह सकती थी। उसने कमजोरी में अर्जुन से कहा, अर्जुन प्लीज तुम अभी यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये सुनकर शौर्य मायरा को ऑर्डर देते हुए बोला, कॉल? सीरियसली मायरा, तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और तुम कब से ऐसे हर किसी से बात करने लग गई? अर्जुन गुस्से में बोला, तू होता कौन है मायरा से ये सब बोलने वाला, और उसे स्ट्रेंजर से ज्यादा तो तुझ जैसों से दूर रहने की जरूरत है। शौर्य अब तेज आवाज में बोला, मैं उसका पति हूँ, जो चाहे उसे बोलू, यू स्टे आउट ऑफ इट। ये बात सुन अर्जुन हंसने लगा और बोला, ये जो तू पति होने के अकड़ दिखा रहा है, तो बता तूने मायरा को छोड़ा ही क्यों? तू तब कहाँ था जब ये अकेली यहाँ थी? तब कहाँ था जब ये अकेली ट्रेन में यहाँ आई थी? तू तब कहाँ था जब ये वो आगे कुछ कहता, इससे पहले ही मायरा ने उसका हाथ जोर से दबा दिया और उसे घूरते हुए सर हिलाकर ना में इशारा किया। वो नहीं चाहती थी कि शौर्य को उसकी प्रेगनेंसी का पता चले और अर्जुन वही बात बोलने जा रहा था। मायरा के इस इशारे से अर्जुन चुप हो गया था, लेकिन शौर्य इस इशारे को समझ नहीं पाया। उसे तो लगा मायरा अर्जुन को बस नॉर्मली चुप रहने के लिए बोल रही है। उसने मायरा की तरफ देखते हुए फिर से उससे पूछा, मायरा, कैन यू एक्सप्लेन कि ये कौन है और ये इतना सब कैसे जानता है? मायरा ने लंबी सांस ली और शौर्य की तरफ मुड़कर कहा, मेरा दोस्त है ये। ये सुनकर शौर्य को बहुत तेज गुस्सा आया। वो बोला, पहले तो तुमने कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाए और अब अपने इस दोस्त को बोलो कि यहां से जाए। ये सुनकर अर्जुन अपने हाथ बांधते हुए बोला, नहीं जाऊंगा अब तो, मैं यही हूं। जिसको सच में यहां से जाना चाहिए वो है तू। शौर्य ने अर्जुन को उंगली दिखाते हुए कहा, तू होता कौन है मुझे यहां से निकालने वाला? अर्जुन और शौर्य की बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सब में पहले ही बहुत टाइम निकल चुका था। मायरा ने घड़ी में देखा तो अब शाम के 6 बजने को आए थे और बाहर अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। अर्जुन और शौर्य की बहस अभी भी चल रही थी कि तभी बाहर से किसी औरत की आवाज आई। वो आवाज बहुत ही जानी पहचानी सी थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा जैसे ही खुला, उसे देख मायरा और शौर्य एकदम शॉक हो गए। उस वक्त दरवाजे पर डीना खड़ी थी। वो पीछे किसी को चिल्लाते हुए बोली, आंटी इधर आइए, देखिए शौर्य इधर ही है। तभी अचानक तेजी से चलते हुए एक औरत वहां आई और शौर्य को देख बोली, शौर्य? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मिसेस जायसवाल ही थी, जो कि डीना के साथ मुंबई आई थी। मिसेस जायसवाल ने जैसे ही शौर्य को देखा, वो गुस्से में उसे घूरने लगी। साइड में खड़ी डीना बोली, देखा आंटी, मैं जो आपको बोल रही थी वो सच बात निकली ना, मैंने बोला था कि शौर्य इससे मिलने ही आया होगा। फिर उसने मायरा की तरफ देखा और सड़ा सा मुंह बना लिया। मायरा को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। डीना और मिसेस जायसवाल अचानक उसके घर तक मुंबई कैसे आ गए थे?
शौर्य ने डीना और अपनी मॉम को गुस्से में देखते हुए पूछा, आप लोग यहाँ तक कैसे आए? किसने आपको यहाँ का एड्रेस दिया? डीना नाटक करते हुए शौर्य के पास गई और उसे हक करके बोली, शौर्य तुम ऐसे बीच रात में मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। जब मायरा ने ये सब देखा तो वो समझ गई कि डीना कितनी बड़ी नाटकबाज है। शौर्य ने डीना को खुद से दूर किया और अपनी मॉम के पास जाकर बोला, मॉम आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस जायसवाल ने गुस्से में मायरा की तरफ देखते हुए कहा, शौर्य बेटा ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम इस औरत के घर क्या कर रहे हो। फिर वो मायरा के पास आकर बोली, तुम तो छोड़कर चली गई थी ना शौर्य को, तो अब फिर से मेरी बेटी को फंसाने के चक्कर में हो। याद रखना पिछली बार तो तुम्हारी चाल कामयाब हो गई थी, मगर इस बार नहीं होगी। अच्छा ही हुआ जो तुम जैसी गंदगी हमारे घर से साफ हो गई। ये सुनकर अर्जुन को मायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि मायरा आखिर ये सब क्यों ही झेल रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जैसी इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की शौर्य जैसे इंसान से प्यार करती थी, जो प्यार तो दूर मायरा की इज्जत भी नहीं करता था। ऊपर से वो और उसकी माँ दोनों मिलकर मायरा को कितना टॉर्चर करते होंगे, उसका ट्रेलर तो वो खुद अपनी आंखों से देख ही रहा था। मायरा ने मिसेस जायसवाल को कोई जवाब नहीं दिया। जो भी था वो उसके और शौर्य के बीच में था, वो उन्हें इन सब के बीच नहीं लाना चाहती थी, वो अभी भी अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहती थी। शौर्य ने अपनी माँ से कहा, मॉम आप ये मायरा से कैसे बातें कर रही हैं? मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से आया था, इसने मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मिसेस जायसवाल मायरा को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा क्या सिखा के भेजा था कि मेरा बेटा अभी भी तुम्हारी ही साइड लेता है? इस बात पर डीना मिसेस जायसवाल को साइड लेते हुए बोली, आंटी ये जहां से आती है वहां शायद ट्रेनिंग देते होंगे अमीर लड़के को फंसाने की, बस पैसे की लालच है इन्हें। अर्जुन को मायरा के लिए ये सब बात सुनना अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने डीना से कहा, और तुम जहां से आती हो वहां पर लोगों का घर कैसे तोड़े उसकी ट्रेनिंग देते होंगे, है ना? उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा लालची तुम हुई। ये बोलने के बाद उसने डीना को एक बड़ी सी स्माइल दे दी। मिसेस जायसवाल और डीना का ध्यान तुरंत ही अर्जुन पर गया। अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था कि वो भी वहां था। अर्जुन की बात का डीना और मिसेस जायसवाल को बहुत बुरा लगा और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। मिसेस जायसवाल अर्जुन को घूर कर देखते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीना से इस तरीके से बात करने की? अर्जुन भी तेज आवाज में बोला, मैं कौन हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और जैसे आपकी और इस लड़की की हिम्मत हुई मायरा को उल्टा सीधा बोलने की, तो उसी हिम्मत के साथ मैंने भी बोल दिया। और वैसे भी आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ये समझ आया कि यहाँ बोलने की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी किसी को कुछ भी बोल रहा है, इसलिए मैंने आपकी ही लैंग्वेज में आपको जवाब दिया। और हाँ, जिस गंदगी की आप अभी मायरा से बात कर रही थी, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि असली गंदगी को तो आप अपने साथ लेकर चल रही हैं। ये बोलते हुए वो डीना की तरफ देखने लगा। अर्जुन की बातें सुनकर डीना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। मिसेस जायसवाल से आज तक ऐसे किसी ने भी बात नहीं की थी। उधर मायरा को पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। अर्जुन उसके बिना बोले ही उसकी तरफ से बहुत कुछ बोल रहा था। पहली बार मायरा को किसी ने इतना स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया था, जबकि वो जानती थी कि अर्जुन का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो चाहता तो कब का वहां से चला जाता, मगर वो उसके लिए सबसे लड़ रहा था। शौर्य को भी अर्जुन की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने उसकी मॉम के साथ मिसबिहेव जो किया था। शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तू जो भी है अपनी लिमिट में रह कर बात कर, समझा? मेरी मॉम से इस टोन में और इस लैंग्वेज में बात करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? मिसेस जायसवाल गुस्से में बोली, और ये है कौन? ये किस हक से हमारे बीच में बोल रहा है? शौर्य चिढ़ते हुए बोला, मॉम ये मायरा का दोस्त है। ये सुनते ही मिसेस जायसवाल मायरा के सामने गई और टॉन्ट मारते हुए बोली, दोस्त? अरे वाह,
शौर्य को छोड़े हुए अभी टाइम भी नहीं हुआ और तुमने दोस्त भी बना लिए। मैं जानती ही थी कि तुम किस टाइप की लड़की हो। फिर वो शौर्य के पास गई और मायरा को उंगली दिखाते हुए बोली, मैं बोलती थी ना कि ये सही लड़की नहीं है, तेरे साथ रहकर भी पता नहीं कितने और दोस्त होंगे इसके। अच्छा हुआ इसकी असलियत तेरे सामने आ गई, वरना पूरा घर बर्बाद कर देती ये। उन्होंने फिर अर्जुन की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो ये दोस्त से कुछ ज्यादा ही लग रहा है, शक्ल से तो लगता है ये तुम्हारा नया टाइम पास होगा। अर्जुन ने यह सब सुनकर उनसे गुस्से में कहा, टाइम पास तो आपका बेटा कर रहा है, उसे जाकर बोलिए ये सब। ये सुनते ही शौर्य अर्जुन के पास गुस्से में गया और जोर से उसके सीने पर धक्का मार दिया, जिसकी वजह से अर्जुन का बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर जाकर गिर गया। वो खुद को संभालते हुए गुस्से में उठा और शौर्य का कॉलर पकड़कर उसके फेस पर एक जोर का पंच लगा दिया और फिर कहा, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। अर्जुन के पंच से शौर्य की नाक से खून बहने लगा। मायरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे ये मारपीट देखकर घबराहट होने लगी। वो जोर से चिल्लाई, बंद करो ये सब। दीना रोते हुए शौर्य के पास गई और अपने दुपट्टे से शौर्य का खून साफ करने लगी। तभी मिसेस जायसवाल बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, दो दो लड़कों को चला रही हो, तुमने तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब ही कर दी है। ये बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ मायरा को मारने के लिए उठाया, पर अर्जुन ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। वो आंखें दिखाते हुए मिसेस जायसवाल से बोला, मायरा से दूर रहिए। शौर्य ये देखकर गुस्से में उठा और अर्जुन का हाथ पकड़कर जोर से उसके चेहरे पर मारा और कहा, मेरी मॉम से कभी इस वे में किसी ने बात नहीं की, तू अपनी औकात में रह, समझा। मायरा ये सब अब और नहीं देखना चाहती थी। वो जोर से चिल्लाकर बोली, रुक जाओ दोनों, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से, चुपचाप बाहर निकल जाओ बस। शौर्य को लगा वो ये बात अर्जुन को बोल रही थी, लेकिन तभी मायरा शौर्य की तरफ मुड़ी और बोली, तुम अभी इसी वक्त यहां से निकलो। फिर वो मिसेस जायसवाल की तरफ गई और गुस्से में उन्हें देखकर बोली, मैंने हमेशा से आपकी इज्जत की, चाहे आपने मेरे साथ जैसा भी बिहेव किया, चाहे आप जो भी बोले, लेकिन अभी आप मेरे घर पर खड़ी हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाएं। ये बोलते हुए मायरा ने उन्हें गेट की तरफ इशारा किया। ये पहली बार था जब मायरा ने उन्हें कुछ कहा था। इतनी इंसल्ट उनसे सहन नहीं हुई। वो गुस्से में शौर्य को बोली, देख तू खुद अब देख, ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। शौर्य कुछ भी बोलता उससे पहले ही मायरा ने दोबारा तेज आवाज में कहा, आपको जो भी बातें करनी है अब वो आप इस घर से बाहर जाकर करें, मैंने बोला ना ये मेरा घर है, अभी बाहर जाओ यहां से तुरंत। असल में शौर्य को हर्ट ज्यादा इस बात का हो रहा था कि मायरा उसे छोड़कर अर्जुन का सपोर्ट कर रही थी। उससे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था कि उसकी मायरा उसे छोड़ किसी और का साइड ले रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मायरा के चिल्लाने के बाद पूरा घर शांत हो गया। तभी डीना रोने की एक्टिंग करते हुए मायरा के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, मायरा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम शौर्य से दूर चली जाओ, तुम माफ कर दो मुझे कि मैं तुम दोनों के बीच आई, लेकिन अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, प्लीज मायरा मुझे माफ कर दो और शौर्य का पीछा करना बंद करो। मायरा को पता था डीना कितनी फेक लड़की है और वह हमेशा नाटक करती रहती है, इसलिए उसने डीना को कोई जवाब नहीं दिया और उसे बस देखती रही, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलती तो डीना कोई ना कोई बात पकड़कर उसका सीन क्रिएट करती, और अभी मायरा बस यही चाहती थी कि वो तीनों उसके घर से निकल जाए। जब मायरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो डीना रोते हुए उसके पास आने लगी और बोली, मायरा कम से कम इस होने वाले बच्चे की खातिर तो मुझे माफ कर दो और हमें नई जिंदगी हंसी खुशी शुरू करने दो प्लीज। टीना की बातें सुनकर अर्जुन हैरान था। अब उसे धीरे धीरे पूरी कहानी समझ आ रही थी, और जैसे जैसे उसे और बातें पता चल रही थी
उसे मायरा पर उतना ही तरस आ रहा था। वो सोच रहा था, मायरा इतनी अच्छी लड़की है, मगर उसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है। उसने इतना सब अकेले सहा और अभी भी वो अकेले ही है, क्यों? डीना मायरा के बहुत करीब आ गई थी, जिससे मायरा अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उसने हल्के से डीना को खुद से दूर किया। मगर डीना जाकर जमीन पर गिरी, जैसे मायरा ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो। ये उसने जान कर किया। जमीन पर गिरकर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाने लगी, आह, मुझे बहुत दुख रहा है। डीना को जमीन पर गिरता देख मिसेज जायसवाल फौरन डीना को संभालने के लिए नीचे झुकी। डीना रोते हुए उनसे बोली, आंटी मुझे बहुत दुख रहा है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मिसेज जायसवाल मायरा की तरफ गुस्से में देखकर बोली, कितनी जलन है इसमें, खुद तो बच्चा दे नहीं सकती और दूसरों का भी बुरा करती है। अर्जुन बहुत क्लूलेस हो गया था, क्योंकि उसने तो देखा था कि मायरा ने बहुत ही हल्के से डीना को दूर किया था। तभी मायरा ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, ये ऐसे ही नाटक करती है। शौर्य ने भी ये देखा था कि मायरा ने इतना जोर तो लगाया भी नहीं था कि जिससे डीना गिर जाए। जमीन पर बैठी डीना रोते हुए बोली, शौर्य मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मिसेस जायसवाल ने डीना को उठाया और बोली, हाँ शौर्य जल्दी से हॉस्पिटल चल, इससे पहले कि देर हो जाए। शौर्य मायरा को ही देख रहा था, वो अभी भी सोच रहा था कि काश वो अभी भी उसके साथ चलने को रेडी हो जाए। लेकिन उसकी सोच पर मिसेस जायसवाल ने चिल्ला कर कहा, वहां खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, जल्दी चल, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। शौर्य डीना के पास आया तो डीना ने कसकर शौर्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, शौर्य हॉस्पिटल चलो। शौर्य ने आखिरी बार मायरा को देखा और फिर तीनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद फौरन मायरा दौड़ कर गई गेट के पास और उसे बंद कर दिया। जल्दी जल्दी सारे लॉक्स लगा दिए। उसकी सांसें तेज थी और वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। गेट बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो वही गेट से टिक कर नीचे बैठ गई। घर एकदम शांत हो गया था, इतना शांत कि मायरा अपने दिल की धड़कन को भी सुन पा रही थी। वो बस चुप होकर बैठी हुई थी, डरी हुई, घबराई हुई। आज उसने बहुत हिम्मत जो दिखाई थी। अर्जुन मायरा को ऐसे देख उसके पास पानी का ग्लास देकर गया और उसके साइड में जाकर बैठ गया। उसने मायरा को पानी का ग्लास पकड़ाया। मायरा ने पानी पिया और बोली, थैंक यू अर्जुन। मायरा अपने बेबी के साथ मॉल में थी। उसने अपने क्यूट से बेबी को वॉकर में रखा हुआ था। आसपास से जाते लोग मायरा और उसके बेबी को एक बार तो जरूर देख रहे थे। मायरा का बेबी अपने वॉकर में आराम से बैठा, बहुत ही खुशी से आते जाते सभी लोगों को देख रहा था। तभी एक औरत की नजर मायरा के बच्चे पर गई और वो उसे देखती ही रही। फिर वो मायरा के पास आकर बोली, आपका बेबी बहुत ज्यादा प्यारा है। ये सुनकर मायरा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। मायरा को बहुत लोग ये बात बोलते थे। उस औरत के कॉम्प्लीमेंट के बाद वो अपने बेबी को लेकर एक किड स्टोर में चली गई। कल बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, इसीलिए वो मॉल से शॉपिंग करने आई थी। उसने किड स्टोर से अपनी शॉपिंग कार्ट में बहुत सारे खिलौने डाल लिए थे। अब वो कपड़े वाले सेक्शन में चली गई। वो बेबी से बात करते हुए बोल रही थी, यहाँ कितने क्यूट कपड़े हैं, मन कर रहा है तुम्हारे लिए सारे ही ले लूं। ये सुनकर बेबी भी हंसने लगा और क्यूट सी आवाजें निकालने लगा। ये देखकर मायरा बोली, अच्छा तो तुम भी मेरी बात से अग्री करते हो। ये बोलकर वो थोड़ा हंसने लगा। तभी मायरा की नजर कुछ ही कदम दूर एक शर्ट पर पड़ी और वो वॉकर वहीं छोड़कर उसे देखने के लिए उसके पास चली गई। उसने उस शर्ट को निकाला और मुस्कुराकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके बेबी के पास शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखते ही उसकी सांसें रुक गई, वो एकदम सुन्न पड़ गई थी।
तभी शौर्य ने वॉकर में से बेबी को उठाया, अपनी गोद में लिया और उसे देखने लगा। ये देखते ही मायरा के हाथ से वो शर्ट नीचे गिर गई। वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, शौर्य मेरे बच्चे को वापस रखो। शौर्य अभी भी बच्चे को ही देख रहा था, उसे नहीं। मायरा जल्दी से उसके पास गई और बच्चे को उसकी गोद से छीनने लगी। शौर्य ने एक हाथ से मायरा को दूर किया और कहा, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छुपा रखा था, हाउ कुड यू डू दिस मायरा। ये सुन मायरा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बहुत डरी हुई थी। वो घबराहट में बोली, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है शौर्य, ये मेरा बच्चा है। शौर्य की नजरें अभी भी बच्चे पर ही थी। मायरा गुस्से में बोली, शौर्य यहाँ नाटक मत करो और मुझे मेरा बच्चा वापस दो। वो ये बोलते हुए जैसे ही शौर्य के पास आई तो शौर्य ने फिर से उसे दूर कर दिया। ये देख मायरा गुस्से में बोली, शौर्य तुमने अगर मेरा बच्चा नहीं दिया तो मैं अभी यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी। बच्चा अब शौर्य की गोद में रोने लगा था। तभी शौर्य ने मायरा से कहा, ये बच्चा मेरा है और तुम अब मुझे कोर्ट में मिलना। ये बोलकर शौर्य ने मायरा को धक्का दे दिया, जिससे मायरा जमीन पर गिर गई। इतने में शौर्य दौड़कर बच्चे को लेकर भाग गया। ये देखकर मायरा जोर से चिल्लाई, शौर्य। और तभी मायरा की नींद खुल गई। मायरा की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, वो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आया कि वो एक सपना देख रही थी, एक बहुत ही बुरा सपना। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और बोलने लगी, तुम मेरे बेबी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेबी, आई प्रॉमिस। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। सामने टेबल पर पानी का ग्लास रखा था। वो देख मायरा ने उस ग्लास को उठाया और उसे जल्दी से पी लिया। फिर वो अपने दोनों हाथ से अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर में वो धीरे धीरे नॉर्मल हुई और उसे याद आया कि कल रात वो अर्जुन से बात करते हुए ही सो गई थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। उसके दिमाग में अभी भी वही सपना चल रहा था। कल के दिन के बाद सबसे बुरी चीज़ ये सपना ही था। हॉल में एसी चल रहा था, फिर भी वो पसीने से भीगी हुई थी। वो खुद को समझाते हुए बोली, मायरा ये सिर्फ एक सपना था, तुम्हारे बच्चे को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, अब उठो और काम पे लग जाओ। ये बोलकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो सोफे से उठी तो उसकी पूरी बॉडी में सोफे पे सोने की वजह से पेन हो रहा था। वो बस किसी तरह उठकर बाथरूम चली गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में, जब से मिसेस जायसवाल ने शौर्य को मायरा के घर पर पकड़ा था तब से वो शौर्य से गुस्सा थी। शौर्य ने कई दफा उन्हें मनाने की कोशिश भी की, मगर वो तब भी गुस्सा ही थी। वहीं डीना उन्हें शौर्य के खिलाफ और भड़काती रहती थी। मिसेस जायसवाल को उसकी बातों पर अब पूरा भरोसा था। ये बात डीना को भी समझ आ गई थी और वो इसका पूरा फायदा उठाती थी। शौर्य मायरा के बिहेवियर से अब तक डिस्टर्ब था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा ने उसे मना कर दिया था। उसके दिल में शौर्य के लिए कोई प्यार नहीं था। उसे ये लग रहा था कि मायरा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो अभी भी उसे बीच बीच में मैसेज करता रहता था। यही सोचकर कि मायरा का जो गुस्सा है वो एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा। उस दिन मुंबई में हुए हादसे के बाद से उसे डीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उस दिन के बाद से उससे कोई बात भी नहीं की थी। डीना जो भी बोलती वो बस हाँ या ना में उसका जवाब देता और अपना काम करने लगता। जब भी वो उस दिन के बारे में सोचता उसे डीना से और इरिटेशन होने लगती। उसे लगता था कि डीना ने ही उसका सारा प्लान ख़राब किया था। अगर वो और उसकी मॉम मायरा के घर नहीं आते और इतना नाटक नहीं करते तो वो मायरा को ज़रूर मना लेता और आज मायरा दिल्ली में होती। मगर डीना की वजह से सब खराब हो गया था। शौर्य आज काम जल्दी ख़त्म करके घर आ गया था। घर में घुसते ही वो अपनी मॉम के कमरे की तरफ जाने लगा। वो सब कुछ सहन कर सकता था, मगर अपनी मॉम की नाराज़गी सहन नहीं कर सकता था। रूम का गेट नॉक करते हुए वो उनके रूम के अंदर पहुंचा तो मिसेस जायसवाल किसी से फ़ोन पर बड़े ही खुश होकर बातें कर रही थी। उन्हें इस तरह खुश देख शौर्य भी स्माइल करने लगा।
वो मुड़ी और शौर्य को देखा तो फोन पर बोली, चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ये बोलकर उन्होंने फोन कट किया और शौर्य की तरफ सीरियस होकर देखने लगी। शौर्य उनके पास गया और बोला, मॉम आप ऐसे कब तक मुझसे गुस्सा रहेंगी? आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मान जाइए ना, कितने दिन हो गए अब तो। मिसेस जायसवाल अपने फोन में देखते हुए बोली, शौर्य तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्सा रहूं या नहीं? तुम्हारी लाइफ में जब मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है तो ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हें मुझे छोड़कर दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट है। फिर चाहे वो लोग तुम्हारी मॉम की इंसल्ट ही क्यों ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य ये सुनते ही समझ गया था कि अब बात मायरा को लेकर स्टार्ट हो गई है। वो उन्हें मनाते हुए बोला, मॉम आपको गलत लगता है, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। मिसेस जायसवाल गुस्से में बोली, पर तुम्हारे सामने मुझे बहुत कुछ बोला गया, तुम कहाँ थे तब? असल में शौर्य के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो फंसा हुआ था, इसलिए उसने अपना सर नीचे कर लिया। मिसेस जायसवाल बोली, मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, मगर तुम्हें तो मेरी बातें इलॉजिकल लगती थी। उसने मासूम बनकर तुम्हें फंसाया था, जो मुझे साफ साफ दिख रहा था, उसे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए था, नहीं तो कोई अपने माँ बाप को ऐसे छोड़कर भाग कर नहीं आता। उससे तुमसे कोई प्यार नहीं था शौर्य, पता नहीं ये बात तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आती। देखा नहीं, तुम्हें छोड़े हुए उसे जरा सा भी टाइम नहीं हुआ है और कैसे उसने दूसरा लड़का भी फंसा लिया, ऐसा होता है क्या प्यार? शौर्य चुप होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। मिसेस जायसवाल ने अपने दोनों हाथों से शौर्य का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उदास होकर बोली, माँ हूं तेरी, मैं कभी तेरा बुरा चाहूंगी क्या? मगर कोई मेरे बच्चे की जिंदगी से खेले, मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे फिर मुझे ही भला बुरा क्यों ना सुनना पड़े। तेरे सामने उसका असली चेहरा आया है अब, वो तुझे डिजर्व नहीं करती शौर्य। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। शौर्य ये देख कर बोला, आई एम सॉरी मॉम, रियली सॉरी। ये सुन मिसेस जायसवाल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, शौर्य मुझे सॉरी नहीं सुनना, मैं चाहती हूं कि तू खुश रहे और अब जो तेरी जिंदगी में है तू उस पर ध्यान दे। ये सुन शौर्य ने भी अपना सर हां में हिला दिया। कुछ देर बात करने के बाद मिसेस जायसवाल का गुस्सा शांत हो गया था, वो दोबारा शौर्य के साथ नॉर्मल हो गई, जिसकी वजह से शौर्य को फाइनली चैन आ गया। मुंबई में उस दिन के बाद से अर्जुन बहुत खोया हुआ रहता था, उसका किसी काम में फोकस नहीं रहता था, उसके दिमाग में बस मायरा और उसकी शादी की ही बात चलती रहती थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने दिल को उसकी प्रेगनेंसी वाली बात समझाई थी, मगर अब शादी? उस रात जब वो मायरा के घर से वापस आया था तब उसने खुद से बोला था कि अब वो उसके बारे में भूल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं सोचेगा और जितना हो सके उससे दूर ही रहा करेगा। मगर जब से उसने ये सारी बातें सोची थी उसके साथ उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। वो जितनी कोशिश करता कि वो मायरा के बारे में ना सोचे, मायरा उसके दिमाग में उतनी ही ज्यादा आती। वो कितनी बार ऑफिस से लौटते समय उससे अनजाने में टकरा जाता, कितनी बार सुबह उसे मायरा दिख जाया करती थी, और जब भी मायरा उसके सामने आती तो वो सब कुछ भूल कर एक अलग ही दुनिया में चला जाता। और जब इन सब में से कुछ भी नहीं होता तो उसकी माँ मायरा के बारे में कुछ ना कुछ बातें करने लग जाती। वो मायरा से जितना दूर भाग रहा था उसके दिमाग में वो उसके उतना ही करीब आती जा रही थी। लेकिन अर्जुन जब भी मायरा के बारे में सोचता था उसे उसके बारे में सोच बहुत अच्छा लगता था, और फिर उसे उसकी और ज़्यादा याद आ जाती थी, उसे और ज़्यादा मन करता था कि वो उससे बात करे। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद से ही अपने दिमाग में लड़ रहा था। उसके लिए मायरा को लेकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उस दिन अर्जुन अपने ऑफिस में था और काम खत्म करके वो घर जाने ही वाला था कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। अर्जुन ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो मायरा का मैसेज था। मायरा का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा था, अर्जुन अगर तुम फ्री हो तो ऑफिस के बाद कॉफ़ी पीने चले,
जहां तो मुझे लास्ट टाइम लेकर गए थे। वो मैसेज पढ़ते ही फौरन टाइप करने लगा, हाँ श्योर, सी यू इन एन आवर, और सेंड कर दिया। मैसेज करते ही उसने रिग्रेट में अपनी आंखें जोर से बंद की और फोन को अपने सर पर मारते हुए बोला, अर्जुन के बच्चे, ये क्या किया तूने? ऐसे तो तू उससे कभी दूर नहीं रह पाएगा। तुझे उसे मना करना चाहिए था ना, तो खुद ही अपने आप को कुएं में धकेल देता है। उधर मायरा ऑफिस में काम करते हुए बोर हो गई थी और अकेले घूम कर भी, तो उसने सोचा क्यों ना वो अर्जुन से कॉफी के लिए पूछ ले। वैसे तो ऑफिस में भी उसने कई फ्रेंड्स बनाए थे, मगर वो सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित थी। वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी वहां के लोगों से। थोड़ी देर में अर्जुन का रिप्लाई देखकर वो खुश हो गई कि एटलीस्ट आज वो अकेली नहीं होगी। इस शहर में अभी सिर्फ अर्जुन ही उसका एक लौता दोस्त था। ऑफिस खत्म होते ही मायरा ने कैब बुक की और कुछ ही देर में उस कैफे पहुंच गई। कैफे के अंदर घुसकर वो अर्जुन को ढूंढ रही थी। इधर उधर देखने के बाद उसे अर्जुन दिख गया। वो एज यूजुअल टाइम से पहुंचा, मायरा का वेट कर रहा था। मायरा ने दूर से ही अर्जुन को देखा। अर्जुन ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और वो फोन में बिजी था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देख मायरा सोचने लगी कि इतना अच्छा दिखता है, नेचर भी इतना अच्छा है, तो फिर ये सिंगल क्यों है? यही सोचते हुए वो उसकी टेबल के पास पहुंच गई, मगर फिर भी अर्जुन का ध्यान उस पर नहीं गया। मायरा ने गौर से देखा तो अर्जुन फोन में कोई गेम खेल रहा था। ये देख मायरा को अचानक बहुत हंसी आ गई, मगर उसने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया। फिर उसने वेटर की एक्टिंग करते हुए कहा, सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? अर्जुन का ध्यान गेम में इतना ज्यादा था कि उसे मायरा की आवाज भी समझ में नहीं आई। वो बोला, आई एम वेटिंग फॉर समबडी, मैं थोड़ी देर से ऑर्डर करूंगा। मायरा जैसे उसे कोई भूत दिख गया हो। कुछ देर पहले तक वो इतना हंस रही थी और अब उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऑपोजिट हो गए थे। मायरा ने अर्जुन के सूट की स्लीव्स इतनी जोर से पकड़ी थी कि अर्जुन को वो साफ साफ फील हो रहा था। उसने पूछा, मायरा क्या हुआ? लेकिन मायरा कुछ नहीं बोली, बस सामने नजरें गढ़ाई देखती रही। अर्जुन ने देखा कि मायरा सामने किसी को देख रही थी। तब उसकी नजर भी उस आदमी पर गई जो पीठ दिखाए सामने खड़ा था। अर्जुन ने शौर्य को उतने अच्छे से देखा भी नहीं था, मगर उसे भी पीछे से वो शौर्य जैसा ही लग रहा था। वहां शौर्य क्या कर रहा था? क्या शौर्य सच में मायरा का पीछा कर रहा था? मायरा अभी वहीं खड़ी हुई थी और उस आदमी को देखे जा रही थी। अब उसने अर्जुन की स्लीव्स को और जोर से पकड़ लिया था। अर्जुन को दिख रहा था कि मायरा कितनी सहमी हुई है। सामने खड़ा शख्स फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन तो जैसे रेडी था, वो मायरा के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने मायरा से कहा, मायरा चलो, मैं हूं ना? लेकिन मायरा आगे चलने को तैयार ही नहीं थी। अर्जुन ने मायरा का हाथ पकड़ा और आगे चलने लगा, पर मायरा आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो बोला, मायरा कोई नहीं, चलो। मगर मायरा जैसे वहां फ्रीज हो गई थी। मायरा के मन में बहुत कुछ चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन उससे कुछ और बोलता इससे पहले ही उस आदमी ने फोन रखा और वो जैसे ही मुड़ने लगा, मायरा ने अर्जुन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। फिर वो शख्स जैसे ही पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ गया, तो वो शौर्य नहीं था, वो कोई अनजान था, मगर वो पीछे से बिल्कुल शौर्य जैसा दिख रहा था। मायरा ने जैसे ही उसे देखा, उसने गहरी सांस ली। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो इतना क्यों घबरा गई थी। वो थोड़ा नॉर्मल हुई और अपने आसपास देखा। ये देख अर्जुन ने मायरा से फिर से कहा, मायरा अब चले। वो मायरा को ये फील नहीं कराना चाहता था कि उसे पता था कि मायरा क्या सोच रही थी, वो नॉर्मल ही था। अर्जुन की आवाज सुनकर मायरा को रियलाइज हुआ कि उसने अभी अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख उसने जल्दी से हाथ छोड़ा और अर्जुन को देखकर एक नर्वस स्माइल करने लगी थी।
अर्जुन ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा। क्या हुआ, कुछ सोच रही थी क्या? मायरा ने यह सुनकर ना में अपना सर हिला दिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, फिर कुछ और खाना है? मायरा जल्दी में आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं घर चलते हैं। और दोनों आकर कार में बैठ गए। अर्जुन ने कार में गाने चला दिए, लेकिन मायरा अब भी बिल्कुल चुप बैठी थी। अर्जुन कार चलाते हुए बीच बीच में मायरा को देख रहा था। मायरा एकदम चुप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। मायरा को ऐसे देख अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला, मायरा आइए। ओके, मायरा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ वो बस मैं थक गई हूँ। अर्जुन जानता था कि वो झूठ बोल रही है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो खुद ही अपने ऑफिस की बातें करने लग गया। मायरा बस उसे सुन रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, नहीं तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता। मगर मुझे एकदम से क्या हो गया था, मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। अगर वो शौर्य होता भी तो क्या, तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा मायरा। कुछ ही देर में उनका घर आ गया था। अर्जुन ने मायरा को उसकी बिल्डिंग के आगे छोड़ा। मायरा उतरी और नीचे झुककर बोली, थैंक्स अर्जुन, और फिर लिफ्ट के पास चली गई। अर्जुन जानता था कि रास्ते भर मायरा अपनी ही सोच में गुम थी। उसने अर्जुन की कोई बात भी नहीं सुनी थी। वो मायरा को जाते हुए देख रहा था। जब वो लिफ्ट में चली गई तो उसने कार आगे पार्किंग की तरफ बढ़ा ली। अर्जुन रात भर बिस्तर पर लेटा हुआ मायरा के बारे में ही सोच रहा था। आज जैसे उसने मायरा को डरा हुआ देखा था, वो उसे वैसा कभी नहीं देखना चाहता था। उसे जब से मायरा की लाइफ के बारे में अच्छे से सब पता चला था, तो तब से वो नहीं चाहता था कि मायरा और सफर करे या उसे कोई भी बात से कुछ भी टेंशन या स्ट्रेस हो। वो पहले से ही इतना सब सह रही थी। उसे शौर्य पर भी गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, वो मायरा के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही करती है। मुझे कुछ तो सल्यूशन निकालना ही पड़ेगा इस चीज का। मायरा कब तक डर में जीती रहेगी? आज उसे इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अर्जुन बस सोचे जा रहा था कि वो क्या कर सकता है। वो सच में मायरा की हेल्प करना चाहता था, मगर कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मायरा के दिल से डर खत्म हो जाए। आज तो वो उसके साथ था, मगर वो हर टाइम तो नहीं होगा। ये सोचते हुए ही उसकी नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह अर्जुन की नींद उसकी मॉम की आवाज से खुली। वो उसका डोर नॉक कर रही थी। अर्जुन, अर्जुन बेटा। अर्जुन ने आंखें खोली और टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। वो घबराते हुए उठा। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी 10 बजे। उसने जल्दी से बेड से उठकर गेट खोलकर कहा, माँ आपने पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? वो उसे डांटते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि तुझे उठाना है? तू कब बोलकर सोया था कि तुझे मैं जगाऊं? वो तो मैंने टाइम देखा तो मैं तुझसे पूछने आई कि आज तेरा ऑफिस नहीं है क्या? अर्जुन कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़े जल्दी से निकालते हुए बोला, माँ आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल रात मुझे सोने में लेट हो गया था इसीलिए नींद ही नहीं खुली। ये बोलते हुए वो बाथरूम में चला हो गया। तैयार होकर वो अपनी टाई बांधते हुए रूम से बाहर निकला और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके बाल अभी भी गीले और बिखरे हुए थे जो उसकी आंखों में आ रहे थे। माँ प्लीज यार जल्दी ब्रेकफास्ट दे दो, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ। अंदर किचन से उनकी आवाज आई, बस 2 मिनट। वो एक ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर आई और टेबल पर रखकर अर्जुन की साइड वाली चेयर पर बैठ गई। अर्जुन ने अपनी टाई निकालकर अपनी माँ को दी और कहा, प्लीज माँ टाई बांध दो ना, और जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे देख वो मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन तेरी हरकतें अभी भी बच्चों वाली है, तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तू बड़ा हो गया है। अर्जुन बस जल्दी जल्दी खा रहा था। टाई बांधते हुए उन्होंने अर्जुन को देखा और बोली, आराम से बेटा। अच्छा हाँ, आज ऑफिस के बाद तू जो बांद्रा में फ्लैट है वहां चला जाना। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, क्यों? वो अपने गले से टाई निकालते हुए बोली, क्योंकि आज वहां की बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि फ्लैट में कहीं पर लीकेज है जिससे नीचे रहने वालों को प्रॉब्लम हो रही है,
तू जाकर एक बार चेक कर ले कि प्रॉब्लम क्या है, फिर ठीक करा देना, अर्जुन खाते हुए बोला। उस फ्लैट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है माँ, इस पर उसकी मॉम ने कहा। अब वो खाली रहता है, कोई रहे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ सही बोल रहे हो आप। खाते हुए अर्जुन कुछ सोच रहा था, मगर अचानक उसके दिमाग में मायरा आई और वो दोबारा दुखी हो गया। वो सोच रहा था कि जब तक वो उसका कोई सल्यूशन नहीं निकालता उसे चैन नहीं मिलेगा। सोचते हुए एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अर्जुन के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देख उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, किस बात की इतनी खुशी है? अर्जुन ने टाई उठाकर पहनी, अपनी चेयर से जल्दी से उठा और अपना बैग लेते हुए बोला, आकर बताऊंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। ये बोलते हुए वो घर से चला गया। मिसेस सपना यहाँ कंफ्यूज होकर खुद से ही बोली, ये लड़का भी एकदम पागल है। कुछ देर बाद मायरा अपने ऑफिस में थी। उसका कल शाम से किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। अभी वो काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। जब से उसने वो सपना देखा था जिसमें शौर्य उसका बच्चा उससे छीन कर भाग रहा था, वो चीजें उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। तभी उसके पास ऑफिस का एक पियोन आया और बोला, मायरा मैडम, वो सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। मायरा उठकर अपने बॉस के केबिन में गई। कैन आई कम इन सर? मायरा को देख मिस्टर अवस्थी ने कहा, कम इन मायरा, और उसे बैठने का इशारा किया। मायरा बैठी और बोली, सर आपने बुलाया था? मिस्टर अवस्थी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, कैसी हो मायरा, इज एवरीथिंग गुड? मायरा हिचकिचा कर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, हाँ सर ऑल गुड। उन्होंने उससे पूछा, अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या काम में? मायरा सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मायरा आज तुम्हारे रिपोर्ट्स में 15 से ज्यादा एरर्स आए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी। मायरा बहुत एम्बैरस होते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मैं और ध्यान से करती हूँ काम। मायरा हो जाता है कभी कभी, इफ यू नीड सम ब्रेक तो ले लो और दोबारा से काम शुरू करो। ओके सर, मैं अब और फोकस से करूंगी। मिस्टर अवस्थी खुश होते हुए बोले, जब कोई इतना अच्छा एम्प्लॉय ऐसी गलतियां करता है ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तुम जाओ कॉफी ब्रेक लो, फिर दोबारा से शुरू करना। ओके सर, थैंक यू। ये बोलते हुए वो केबिन से बाहर निकल गई। उसे अब और परेशानी हो रही थी कि उसकी टेंशन की वजह से उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। वो परेशान होते हुए ऑफिस के कैफेटेरिया में जाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन को कैसे शांत करे। तभी उसने अपना फोन निकाला और उसमें श्रेया का नंबर डायल कर दिया। श्रेया ने फोन उठाया और दोनों ने कुछ देर बातें की। मायरा ने सोचा उसे श्रेया से बात करके अच्छा लगेगा, मगर मायरा की उदास आवाज से ही श्रेया पहचान गई थी कि मायरा को कुछ हुआ है। उसने पूछा, मायरा तुझे हुआ क्या है? जब से तूने कॉल किया है तब से मुझे तेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तू बहुत उदास और परेशान है। तूने इतनी देर से कुछ बताया ही नहीं, बताना क्या हुआ है? मायरा श्रेया को नहीं बताना चाहती थी। उसे लग रहा था वो श्रेया को हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स बताकर परेशान नहीं कर सकती, सो वो बोली, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख मायरा झूठ मत बोल, मैं श्योर हूँ कि तुझे जरूर कुछ तो हुआ है। मायरा मना करती रही, मगर श्रेया के बहुत फोर्स करने के बाद आखिर उसने श्रेया को सारी बातें बताना शुरू कर दी कि कैसे शौर्य उसके घर आया था और उसका पीछा करते हुए डीना और उसकी मॉम भी वहां आ गए थे, फिर कैसे अर्जुन ने उसे सपोर्ट करते हुए सबसे लड़ाई की, फिर उस रात उसे जो सपना आया था उसके बारे में भी उसने उसे बता दिया। सारी की सारी बातें उसने श्रेया को बता दी थी। ये सब सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, शौर्य की हिम्मत भी कैसे हुई तुझे ये सब बोलने की, और वो तुझे दिल्ली लाकर क्या करना चाहता है? इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, अगर उसे इतनी ही केयर थी तेरी तो उसने ये सब किया ही क्यों? ब्लडी लूजर, ऊपर से उसकी माँ, जैसी माँ वैसा ही बेटा। मायरा तूने इतना सब सुना ही क्यों? तुझे सबसे पहले पुलिस को कॉल करके उन सबको अपने घर से निकाल देना चाहिए था।
श्रेया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो आगे बोली, मेरा बस चलता ना तो शौर्य और उसकी माँ को ऐसा मजा चखा दे कि याद रखते जिंदगी भर। जैसा वो शौर्य चाहता है वैसे हो तो गया ना, फिर भी खुश नहीं है। मायरा ने फिर उसे कल शाम की बात बताई कि कैसे उसने एक अनजान शख्स को शौर्य समझ लिया था और वो कितना डर गई थी। वो परेशान होते हुए बोली, पता नहीं यार, मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा शायद मुझसे मेरी सारी चीजें कोई छीन लेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। श्रेया को मायरा को ऐसे देख बहुत दुख हो रहा था। उसने मायरा को कभी ऐसे नहीं देखा था। मायरा उनकी ग्रुप की सबसे स्ट्रांग और हिम्मत वाली लड़की थी, सब चीज में आगे। और डर तो उसे पता ही नहीं था कि क्या होता है। वो दूसरों को इतनी हिम्मत दिया करती थी। सबसे बिंदास और केयरफ्री लड़की थी मायरा, पर शौर्य ने आज उसे कैसा बना दिया था। श्रेया को इतना बुरा लग रहा था और शौर्य पर उतना ज्यादा ही गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में ही बोली, मायरा मैं समझ सकती हूँ, तेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही लगता, मगर अब तक जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ उन्हें सब हैंडल किया है वो सबसे अच्छी बात है तेरी। तो पूरी तरीके से टूट कर दोबारा संभली है तूने, बहुत अच्छे से दोबारा अपनी एक लाइफ शुरू की है जो बहुत मुश्किल था, पर तूने किया। और रही बात शौर्य की, तो हर इंसान को कभी ना कभी उसकी गलती का पछतावा हो ही जाता है, जो शायद उसे समझ आ रहा है कि उसने गलती तो की है, वो भी बहुत बड़ी गलती। तो रिग्रेट में अब वो आएगा ही तेरे पास, तुझे कॉन्टेक्ट भी करेगा। इतना सुन मायरा रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए वो यार, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं थक चुकी हूँ अब इन सब चीजों से, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती अब। और श्रेया उसे संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ यार, और तुझे नहीं पता मगर तू बहुत स्ट्रांग और बहुत ब्रेव है मायरा। जो सबसे मुश्किल चीज थी वो तूने फेस कर ली, अब तो ये शौर्य और सब बहुत छोटी चीजें हैं जो तुझे बहुत बड़ी लग रही है। शौर्य आएगा तेरे पास, वो बहुत बोला। ऑब्वियसली हम हाय हेलो कैसे हो, दिन कैसा रहा, कुछ खाने को लाऊं, ये सब नॉर्मल बातें तो नहीं करते हैं, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। अर्जुन ये बोलते हुए हंसा, फिर आगे बोला, हाँ तो मैं ये बोलने आया हूँ कि तुम अपना सारा सामान यहाँ से पैक कर लो। ये सुनकर मायरा अर्जुन को शॉक में देखने लगी। अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा था?